हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे फ्रेंड्स साबूदाने से बहुत जल्दी फटाफट बनने वाला नाश्ता। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी और बहुत झटपट बनता है। अगर आप फास्ट हो, नवरात्रि के फास्ट हो, तो आप इस नवरात्रि आप ये नाश्ता बना के खा सकते हो। फ्रेंड्स आपका पेट भर जाएगा, लेकिन इस नाश्ते से आपका मन नहीं भरेगा, इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे। इसमें मैं आधा कप साबूदाना ले रही हूँ। आप चाहे तो एक कप भी साबूदाना ले सकते हैं। साबूदाना को बॉल में डाल के 2 से 3 पानी अच्छे से साबूदाना को धो लेना है। चाहे आप कपड़ा से भी साबूदाना को साफ कर सकते हैं। साबूदाना को धो लेने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको सेट करके 10 मिनट के लिए ढक के हम सूख होने देंगे। 10 मिनट के बाद एक अच्छे से ये फूल जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, पानी भी पूरा सूख लेता है। आधी छोटी चम्मच हम जीरा लेंगे, 2 चुटकी जितना काली मिर्ची का पाउडर, आधी छोटी चम्मच सेंधा नमक डालेंगे, 2 हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ, 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें हम डाल लेंगे ताकि इसको अच्छे से मैन हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए और चिपकने लगे आपस में। तो मैं इसमें पूरी 4 से 5 चम्मच जितना पानी डाली हूँ, छोटा चम्मच है, इसे पानी डाली और इसको हाथ से डाल के अच्छे से इसको मिक्स की हूँ। तब जाके ये आपस में चिपकना शुरू हुआ है। जब तक ये आपस में जब तक चिपकेगा नहीं, तब तक ये आपका नाश्ता बनेगा नहीं। इसलिए हाथ से अच्छे से इसको मसल लीजिएगा तो ये अच्छे से नाश्ता बन जाता है। इसमें पानी पूरे 6 चम्मच पानी लगा है फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी नहीं लगा है। ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा तो फिर भी ये नाश्ता पतला होगा और अच्छा से सेट नहीं होगा, इसलिए आप कम ही पानी डालिए। आप देख सकते हैं ये बॉल्स बनना शुरू हो गया है। ऐसे ही नाश्ता चाहिए। इसको साइड में रख देते हैं। 2 उबले हुए आलू ले रही हूँ। आलू को उबाल के एकदम पतला मैश कर लेना है। अच्छे से मैश करने के बाद इसमें मैं 2 हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ और 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच इतना नमक डाली हूँ। सेंधा नमक है फ्रेंड्स, व्रत में खाने वाला नमक है। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप कोई भी नमक डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। और डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप इसको व्रत में भी बना के खाएंगे और बिना व्रत के भी बना के खाएंगे, जो इतना हेल्दी और इतना टेस्टी बनता है। अब छोटा छोटा एकदम टिक्की बनाना है, एकदम छोटा छोटा बनाइएगा, बड़ा मत बनाइएगा। जब छोटा बनाइएगा तो ये अच्छा से बन जाता है। इसको बना के एक प्लेट में रख लेते हैं। जो साबूदाने का डो हम बना के रखे हैं, इसका 2 टिक्की बना लेंगे, एकदम छोटा साइज का। आप देख सकते हैं ऐसे ही बनाना है। एक दूसरे पे रख के इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे, दोनों को चिपका देंगे और आलू की फिलिंग को अच्छे से ढक देंगे। जाली वाला प्लेट लेंगे, उसमें अच्छे से तेल लगा लेंगे और उसमें हम ये नाश्ता को रख देंगे। फिर से ऐसे ही 2 टिक्की बनाएंगे, इसके बीच में आलू वाला टिक्की रखेंगे, उसके ऊपर एक दूसरी टिक्की रखेंगे और इसको अच्छे से हम सेट करके अच्छे से कवर कर देंगे आलू की फिलिंग को। ऐसे ही बना के हम सारे प्लेट में रख देते हैं। आधा कप साबूदाने में 3 बड़े साइज का ये नाश्ता बन के तैयार हुआ है। इसको छन्नी में रख के हम ढक के इसको 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। कढ़ाई में 1/2 लीटर पानी डालेंगे, छन्नी उसके ऊपर रख के इसको 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। उसके बाद छन्नी को हम बाहर निकाल लेंगे पानी से और इसको 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब इसको हम थोड़ा सा तड़का दे देते हैं। आपको बिना तड़के के भी खाना हो तो आप खा सकते हैं बिना तड़के का भी। एक तवा लेंगे, इस पर 2 चम्मच जितना तेल डाल देंगे और ये साबूदाने वाले नाश्ता को रख देंगे। इस पर थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देते हैं, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और आधी छोटी चम्मच व्हाइट तिल डाल देंगे और इसको डाल के हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से थोड़ा सा करारी होने तक सेक लेंगे तो नाश्ता और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। आप चाहे तो बिना तेल के भी ये नाश्ता खा सकते हैं, बस स्टीम करके ही। अच्छे से मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए उलटते पुलटते मीडियम फ्लेम पर इसको सेक लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये नाश्ता देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स ये नाश्ता जितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है, उससे ज़्यादा ये टेस्टी है और ज़्यादा हेल्दी भी है। फ्रेंड्स आप पूरे नवरात्रि फास्ट बना के खा सकते हैं। इसको हरी चटनी के साथ मैं सब की हूँ, सिर्फ धनिया का चटनी है और सेंधा नमक डाल के मैं चटनी बनाई हूँ और हरी मिर्ची का है। अगर फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स।